नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एलईडी टेस्टर बनाकर दिखाने वाला हूं। ये एलईडी टेस्टर काफ़ी ज़्यादा मस्त काम करता है। इस टेस्टर की मदद से आप जो है हर एक कंपोनेंट एलईडी को चेक कर पाओगे बिना शॉक लगे। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात ये है कि इसे जो है बनाने का जो सामान है वो आपके घर में आराम से मिल जाएगा, तो आप जो है इसे अपने घर पर जो है इसको बना सकते हो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप जो है वीडियो को स्किप मत करना, आप जो है वीडियो को पूरा देखना, तभी जो है आप इस एलईडी टेस्टर को बना पाओगे। आधे से ज़्यादा लोग जो है वीडियो को स्किप करके देखते हैं, इसलिए जो है उनको काफ़ी कम जो है समझ में आता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे एलईडी टेस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है इस तरीके का एक डिब्बा चाहिए, जो कि आपके घर में ये आराम से मिल जाएगा। इस डिब्बे में देख सकते हो गाइस, हमने जो है एक होल कर दिया है, तो इस तरीके से आप भी इसमें होल कर सकते हो। और यहाँ पर हमने जो है एक बल्ब का डिफ्यूज़र लिया है, तो हमने जो है इस डिफ्यूज़र के साइज़ का जो है होल किया हुआ है, तो ये इसके अंदर आराम से फिट हो जाता है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लिया है, इसका जो डिफ्यूज़र है उसको हमने निकाल दिया है, और इसका जो ये सर्किट है इसका इस्तेमाल हमें जो है करना होगा। तो ये सर्किट काफ़ी ज़्यादा पावर का है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एक और सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों सर्किट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, ये वाला सर्किट जो है मेरे हाथ में, तो इसका इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये वाला जो सर्किट है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया काम करे। तो अभी हम सबसे पहले इस पीसीबी में से किसी भी एक एलईडी को जो है हम निकाल देंगे। तो इसको इस तरीके से निकालना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने जो है इसको पूरा निकाल दिया है, तोड़ दिया है यानी कि। तो इस तरीके से गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो हम सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी हमने जो है इसका जो मतलब इसके पीसीबी पर जो एलईडी था उसको भी हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमने एक डायोड लिया है, डायोड का जो ब्लैक वाला पट्टी है उसको हमें जो है जहाँ से हमने एलईडी निकाला है उसके पॉजिटिव वाले लेग पर जो है लगाना होगा। इसको हमने लगा दिया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके प्लस वाले पर हमें लगाना होगा इस डायोड को। अब हमने यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच लिया है, इसको हम इसमें लगा देंगे, उसके बाद हम जो है इस पर सोल्डर करेंगे आराम से। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, हमने एक रेजिस्टेंस लिया है, इसका जो वैल्यू है वो है 330 ओम। इसमें जो रेजिस्टेंस लगेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 500 ओम से लेकर 600 ओम तक जो है आप इसमें जो है लगा सकते हो, उसके बीच का भी आप लगा सकते हो। अब जो है हम लोग इस सर्किट को लेंगे, इस सर्किट में जो हमने डायोड लगाया था तो इस तरफ जो है सफ़ेद वाला जो पट्टी बच गया था, तो उसको हमें इसमें कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हो हमने इसको लगा दिया है, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक पिन वाला जो है वायर ले लिया है, जिसमें हमने डबल पिन जो है लगाया है, जिससे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो रेड वाला है उसको हम इस स्विच के इस तरफ जो है लगा रहे हैं, और अभी जो है ये एक वायर बचा है जो कि नेगेटिव वाला है, तो उसको हम लोग जो है इस पीसीबी पर जो है इसका नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तो अब जो है ये सर्किट पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम आपको इसका जो कनेक्शन है उसको हम अच्छी तरीके से जो है एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो इसमें जो है आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह जाएगा। यहाँ पर हम जो है अब इसे इस डिब्बे में जो है पैक करेंगे, इसलिए हमने जो है इसका कनेक्शन आपको करके दिखा दिया है, ताकि जो है आप इसका कनेक्शन आराम से कर पाएं। फिटिंग करते समय हमें जो है इस एलईडी को जो है ऊपर की तरफ करके जो है अच्छे से फिक्स करना है। तो आप लोग देख लीजिए, हमने जो है इसको ऊपर की तरफ फिक्स कर दिया है। तो अब जो है इसके ऊपर का जो डिफ्यूज़र है हमने जो है लिया था, उसको जो है हमें इसके ऊपर जो है लगाना है। तो यहाँ पर मैं डिफ्यूज़र को ले लिया हूँ, अब जो है इसको इसके ऊपर जो है फिक्स कर दूँगा। ये काफ़ी अच्छी तरीके से जो है फिक्स हो चुका है। अभी जो है इसके पीछे का जो है काम हमें करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने जो है एक प्लग लिया है, इस प्लग में हमने एसी इनपुट वाला दोनों वायर जो है कनेक्ट कर लिया है। अब जो है हम इसको नट बोल्ट द्वारा जो है यहाँ पर अच्छे से इसको फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो, और आप चाहें तो इसको जो है किसी और जो है डिब्बे में आप बना सकते हो। इसका जो ढक्कन है उसको हमने बंद कर दिया है। तो ये एलईडी टेस्टर बिल्कुल बनकर कम्प्लीट है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसको जो है यहाँ से हम लोग पावर देंगे, इसमें हमने जो है इस तरीके से लगा दिया है।
तो जब भी हम इस तरीके का जो है छोटी एलईडी को जब चेक करेंगे, तब जो है ये जो स्विच है उसे हमें ऑफ रखना होगा, और जब हम जो है इस तरीके का जो है बड़ा वाला जो एलईडी है उसको चेक करेंगे, तब जो है हमें इस स्विच को ऑन कर देना होगा इस तरीके से। तो हम जो है अभी ऑफ कर देते हैं, अभी हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो इसको इस तरीके से जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये ग्लो करेगा, तो इस तरीके से ये ग्लो करेगा। अब जो है इसको चेक करते हैं, तो देखिए ये चेक हो रहा है, तो देखिए रेड एलईडी ग्लो होने लगा इस तरीके से, कोई अलग से वायर नहीं है इसमें। अब हम जो है इससे भी छोटी एलईडी को जो है चेक करेंगे, यहाँ पर इसमें लगा होता है, ये पेन ड्राइव था, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो जब भी हम अगर माइनस और प्लस जो है उल्टा लगाएंगे, तब जो है ये जो इंडिकेटर है ये नहीं जलेगा। तो देखिए अभी जो है हम माइनस प्लस को उल्टा लगा रहे हैं, तो देखिए ये नहीं जल रहा है। अभी हम इसको इस तरीके से करके लगाएंगे तब ये जलेगा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ये काम कर रहा है। अब इसको चेक करते हैं, अभी उल्टा है, देखिए यहाँ पर नहीं जल रहा है, ये सही एलईडी है, ये भी सही है। तो अभी हम इस बड़ी वाली एलईडी को जो है चेक करेंगे, तो ये जो बटन है इसको ऑन करना होगा इस तरीके से। अभी हम इसको चेक करेंगे, तो ये सही है। तो अभी हम इसको भी चेक करेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है।